اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم صدر مجلس معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ تقریب جو نہایت مبارک اور باسعادت ہے اس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب ہوئی. یوم حسین کمیٹی کے میڈیکل کالج مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. جب یہ طلبہ آج کے پروگرام کی دعوت لے کر میرے پاس آئے اور یہ بتایا کہ یوم حسین کے سلسلے میں وہ آج ایک تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں جو مروج ریلیجس کلچر ہے اس کے تحت تقاریب مہینوں کی مناسبت سے زیادہ موضوع لگتی ہے. یہ رجب ہے. بالعموم اس مہینے میں پاکستان میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریبات ہوتی. میں نے کہا کہ عزیزان محترم, آپ یہ محرم الحرام کے مہینے میں یا اس کے آگے پیچھے منعقد کرتے تو زیادہ موضوع تھا. انہوں نے بتایا کہ ہمارا سالانہ فنکشن ہے اور یہ پہلے نہیں ہو سکا, ہم کرنا چاہتے. الحمدللہ میں نے بسر و چشم خوشی سے اسے قبول کیا اور یہ سوچا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی چراغ کی ایک کرن ہے, لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و سیرت کی کتاب ہی کا ایک باب امام حسین اور ان کی شہادت اور ان کی شخصیت و سیرت ہے. دونوں میں بڑی گہری مماثلت ہے, اصل اور فرع کا تعلق ہے. لہذا اس تقریب کی مناسبت سے طلبہ کو طالبات کو ایک پیغام پہنچانا ضروری ہے. آج صبح جب میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کوئی پہلو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسین کے درمیان کئی مشترک پہلو ہوں گے, تو آج ان مشترک پہلوؤں میں سے کسی ایک مشترک پہلو پر گفتگو کی جائے. میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت سی مماثلتیں اور بہت سی اقدار مشترک دیکھ رہا ہوں. اپیرنٹلی یہ بات سننے والوں کے لیے بڑی عجیب معلوم ہوگی, مگر گفتگو سننے کے بعد شاید وہ تعجب اور استعجاب برقرار نہ رہے. انسانیت کا معراج نبوت ہے
और नबुव्वत का मेराज ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज मुकाम काबा कौसैन है, जिस पे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज फरमाया गया। और कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, थुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन अवदना फऊहा इला अब्दही मा अऊहा मा कदबल फुआद मा रहा। फिर वो करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ, हत्ता के दोनों के दरमियान दो कमानों का फासला रह गया या उससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बरगुजीदा बंदे पर वही की, कलाम फरमाया, बिरा वास्ता कलाम फरमाया, जो फरमाया। फिर उस बरगुजीदा बंदे ने अपनी चश्मान मुकद्दस से नूर हक देखा, और जो कुछ आँखों ने देखा दिल ने उसे नहीं झुटलाया बल्कि तस्दीक की। ये बयान है सूरह नजम में उस वाक़े के चंद पहलुओं का जिन्हें मैंने मेराज ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर किया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के मेराज में तीन पहलू काबिल तवज्जो हैं। एक, बारगह उलूहियत में आपके क़ुर्ब की इंतहा, यानी आपको क़ुर्बत इलाही में मुकाम मुंतहा नसीब हुआ, वो आखिरी मुकाम क़ुर्बत इलाहिया का नसीब हुआ जो मुमकिन था। दूसरा पहलू, कलाम इलाही का बिला वास्ता सीमा, यानी बग़ैर किसी फरिश्ते के वास्ते के अल्लाह के कलाम को सुनना नसीब हुआ। और तीसरे ये कि जमाल हक का कल्बी और बसरी मुशाहदा, उस नूर मुतलक का मुशाहदा और दीदार नसीब हुआ। ये तीन पहलू मेराज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल ज़िक्र हैं। अब जिस अमर की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ वो ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के इस मुकाम मुंतहा पर सरफराज फरमा दिया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तहाइफ़ अब्दियत पेश की है, यानी अपनी बंदगी के तीन तोहफे पेश किए, तहाइफ़ अब्दियत। और वो तीन तोहफे जिन्हें मैं तहाइफ़ अब्दियत कह रहा हूँ वो हैं जिनका ज़िक्र आप हर रोज़ अपनी नमाज में तशहुद में करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। वो तमाम कौली इबादतें, वो बदनी इबादतें, वो माली इबादतें, वो तस्बीहात, वो ज़िक्र, वो खुशू, वो खुजू, वो सदक़ात, ये सारी नियाज़मंदियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान बंदगी की सब नियाजमंदियाँ जमा करके तहाइफ़ अब्दियत के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश की, अल्लाह ताला ने इन्हें कबूल फरमाया। इस पर बारगह उलूहियत से आपको इनामात अता किए गए, तहाइफ़ अब्दियत के जवाब में आपको इनामात उलूहियत नसीब हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने इनामात से नवाजा। वो इनामात क्या थे? उनकी याद दहानी भी नमाज में इन्हीं कलिमात के बाद तशहुद में आप करते हैं। इन तहाइफ़ अब्दियत को कबूल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाबन इनाम फरमाते हुए कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए नबी, महबूब नबी, आप पर सलाम हो
अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों। तो तीन ही इनामात उलूहियत अता किए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से सलामती, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें। जब तहाइफ़ अबदियत पेश किए जा चुके, उस पर इनामात उलूहियत अल्लाह ने अता किए, तो यहाँ जवाबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुजारिश की, इसका भी जवाब अर्ज किया। और वो जवाब क्या था? बारी ताला ने वो तमाम तर इनामात खालिसतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इनफरादी तौर पे फरमाए थे। अस्सलामु अलैका ए नबी, तुम पर सलाम। वो तमाम इनामात और नवाजशें आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर फरमाई थी। अब जवाब में आपका रद्द अमल क्या था? आपने अर्ज़ किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था ए मेरे महबूब नबी, तुम पर सलाम हो और मेरी रहमतें और मेरी बरकतें। आपने जवाब में इसे यूं कबूल किया, कबूलियत की शक्ल ये बयान की कि बारी ताला आपका सलाम सिर्फ मुझ पर नहीं, हम पर हो। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और जो अल्लाह के नेकोकार बंदे हैं उन पर भी हो। हम पर, अपने साथ किसी को मिलाया, उम्मत में से किसी को मिलाया, और फिर अल्लाह के नेकोकार बंदों का अलग जिक्र किया। गोया वो इनामात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्दन फरमाए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस हक में दूसरों को शरीक कर लिया। उस इनफरादी हक में, उस खालिस इनफरादी इस्तेहकाक में दूसरों को शामिल फरमा लिया और अपनी इनफरादियत पर इज्तिमाईयत को तरजीह दे दी। जो उसूल मुंतजा हुआ वो इनफरादियत पर इज्तिमाईयत को तरजीह दी। अलैना कहकर के हम पर सलाम हो, गुनाहगारों को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शफाअती लिल मुज़निबीन अल खत्ताईन, कि नेकोकार तो अल्लाह ताला की बख्शिश के कोटे के बायस बख्शिश जाएंगे, क्योंकि बार बार फरमाया अल्लज़ीना आमनु आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए जिन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए जन्नतें हैं, उनके लिए बख्शिशें। तो जो नेकोकार होंगे, साले होंगे, उन पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होगी और वो रहमत इलाहिया के कोटे से बख्शिश पाएंगे। रह गए गुनागार जो अपने आमाल सालेहा नहीं रखते और इस वजह से रहमत इलाहिया और बख्शिश इलाही के मुस्तहक नहीं, फरमाया मेरी शफात उन खताकारों गुनाहगारों के लिए होगी। लिहाजा वो लोग जो अपनी कमज़ोरियों के बायस महरूम थे उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ शरीक किया, और जिनको तौफीक आमाल सालेहा थी, नेकी की तौफीक थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बख्शे गए। इस तरह आपने उस इनफरादी इस्तेहकाक के अंदर अपनी पूरी उम्मत को और उसके तमाम तबकात को शरीक फरमा ली। अब यहाँ से जो बात मेराज नबुव्वत में जो बात हमारे सामने आई वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इनफरादी हक पर इज्तिमाई हक को तरजीह दी और इनफरादी सलामती पर इज्तिमाई सलामती को तरजीह दी और इनफरादी इस्तेहकाक में इज्तिमाईयत को शरीक कर लिया। एक बुनियादी चीज़, गोया आपने एक मेयार मुकरर कर दिया ज़ाती कमाल का, कि ज़ाती कमाल ये है कि दूसरों की भलाई की कितनी फिक्र है, और ज़ाती बुलंद मर्तबत ये है कि दूसरों को बुलंद करने का कितना ख्याल है, और ज़ाती अज़मत ये है कि दूसरों को बाज़मत बनाने की कितनी तशवीश है और दूसरों के लिए कितना इसार है, कितना एहसान है। अगर किरदार में ये पहलू बदरजाए अतम है तो ज़ाती कमाल भी बदरजाए अतम है। दूसरों का फिक्र, दूसरों का ख्याल, दूसरों की भलाई, दूसरों पर एहसान, दूसरों की नफा बख्शी, दूसरों की खैर, दूसरों के लिए एहसार का जज्बा
اور عمل جتنا کم ہے ذاتی عظمت اور کمال کا درجہ اسی قدر کم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی عظمت اور فضیلت کا ایک نبوی معیار مقرر کر دیا, شب معراج ایک پیمانہ مقرر کر دیا. یہاں اب دو نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات اس مقام قرب پر پہنچ کر دو رخصتیں تھیں, دو رخصتیں تھیں. ایک رخصت تو یہ تھی کہ جب جلوہ حق بے نقاب آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس مشاہدہ نور حق میں نہ کوئی فرشتہ حائل تھا, نہ مکانوں لا مکان حائل تھے, نہ کوئی رکاوٹ تھی, نہ کوئی حجاب حائل تھا. اس کیف اور سرور اور قربت کی حلاوت کی اس گھڑی میں کون کسے یاد رکھتا ہے اور پھر کون کسے یاد رہتا ہے. ہجر اور فراق کی صحبتوں سے گزر کر بشریت اور ناسوتیت اور ظلماتی دنیا کے اندھیروں سے نکل کر کوئی مکان سے بھی گزر جائے, لا مکان سے بھی گزر جائے, نورانی ملکوتی مخلوق بھی نیچے رہ جائے, جبرائیل بھی نیچے رہ جائیں, عالم انوار بھی نیچے رہ جائے, اور کعبہ قوسین او ادنا کی بلندیوں پر فائز کر کے جب درمیان میں کوئی حجاب حائل نہ ہو اور وہاں جلوہ حبیب ہو رہا ہو, اس وقت کسی اور کو یاد کون رکھتا ہے اور کون رہتا ہے. مگر کتنی بلندی عظمت اور کمال کا ثبوت فراہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس مقام خلوت میں جب رب کائنات نے آپ کو یاد فرمایا اور آپ پر سلامتی بھیجی تو آپ چاہتے تو امت کو بھول جاتے, پلٹ کر امت میں آتے تو امت کو یاد رکھتے, مگر اب تو اس مقام پر بیٹھے تھے جہاں نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا, امت نہ تھی, کوئی فرد بشر نہ تھا, کوئی متنفس نہ تھا, اب تو اس مقام پر تھے. چاہتے تو اس لمحے صرف خود کو یاد رکھتے, اپنے مشاہدے کی حلاوتوں کو یاد رکھتے, اپنی قربت کی لذتوں کو یاد رکھتے, انعامات الہیہ کو یاد رکھتے, اور کیف و سرور کی ان ساعتوں میں سب کچھ بھول جاتے, صرف اپنا دیکھنا یاد رہتا یا اس کو تکنا یاد رہتا. چاہتے تو بھول جاتے, رخصت تھی, مگر جب سلامتی کی نعمت ملی اس لمحے آپ نے اپنی عظمت کا ثبوت یہ دیا کہ اس جگہ بیٹھ کر بھی وادی مکہ میں اور روئے زمین پر گھومنے پھرنے والی امت کو بھولے نہیں ہیں, وہاں بھی امت کو اس فضل میں شریک کر لیا, بلائی کی انتہا پیش کر دی. دوسری رخصت یہ تھی کہ چاہتے تو عرض کرتے باری تعالی, چاہتے تو یہ عرض کرتے باری تعالی, اب قربت کے اس مقام پر بیٹھا کر واپس نہ بھیج, تو نے اتنی اونچی معراج عطا کی ہے, اب واپس کاہے کو بھیجتا ہے؟ وہ ناسوتی دنیا ہے, ظلماتی دنیا ہے, کفر و شرک اور گمراہی کی بھری ہوئی دنیا ہے, ظلم کی دنیا ہے, مجھے واپس نہ بھیج, میں بقیہ زندگی اب تیری قربتوں کی گھڑیوں میں بسر کر لوں. چاہتے تو وہیں رہ جانے کی درخواست کرتے اور وہ قبول ہو جاتی, پلٹ کے نہ آتے, مگر اس رخصت پر بھی عمل نہ کیا اور راہ عظیمت اپنائی. اس مقام پر امت کو بھولنے کی رخصت پر بھی عمل نہ کیا, امت کو یاد رکھنے کی راہ عظیمت اپنائی. اس مقام پر وہیں رہ جانے کی رخصت پر بھی عمل نہ کیا, پھر پلٹ آنے کی رخصت کی عظیمت کی راہ اپنائی, اور اس مقام سے مقام کعبہ قوسین او ادنا سے جس کی ایک جھلک کے لیے جبرائیل بھی ترستے ہوں گے, اس مقام سے پلٹ کر مکہ کی انہی وادیوں میں آ گئے جہاں پتھر برستے تھے, جہاں تیر برستے تھے, جہاں تلواریں چلتی تھیں, جہاں جسد اقدس لہو لہان ہوتا تھا, جہاں پاؤں کی تلیاں چھلنی ہوتی تھی, تلوے چھلنی ہوتے تھے, تانے سنتے تھے, مخالفتیں ہوتی تھیں, صعوبتیں تھیں, اذیتیں تھیں, رکاوٹیں تھیں, مزاحمتیں تھیں, تانے تھے, تنقیدیں تھیں, وہ راحت و آرام کا مقام چھوڑ کر صعوبتوں بھری دنیا میں واپس پلٹ آئے. یہ دو ایسے پیمانے آپ نے اپنی عظمت کے دیے, ان دو کو سامنے رکھ کر اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ ایمان کی دنیا میں بھی دو مقام ہیں, ایک ولایت اور ایک نبوت. ولایت یہی چاہتی ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف جائے, ولایت عروج میں اوپر جانے میں لذت پاتی, توجہ الی اللہ میں لذت پاتی, سیر الی اللہ, اللہ کی طرف
बुलंद से बुलंदतर होने में लज्जत पाती। और विलायत का कमाल ही यह है कि मखलूक जितनी ज्यादा भूले और खालिक जितना ज्यादा याद आए, वलायत उतनी बुलंद है। वलायत का मिजाज मखलूक को भूलना और खालिक को याद करना, मखलूक को छोड़ना और खालिक की तरफ रुजू करना है, यह मिजाज विलायत है। और मिजाज नबुव्वत क्या है? खालिक को पाकर मखलूक की तरफ सफर करना, खालिक से फैज लेकर मखलूक में फैज बांटना, खालिक की मारिफत और मिसाल के बाद मखलूक की तरफ मुतवज्जे रहना, और खुद कमाल बारगह खालिक से पाकर मखलूक को बाकमाल करने की फिक्र और मेहनत करते रहना। तो विलायत मखलूक से जान छुड़ाती है, नबुव्वत मखलूक के दायरे में आकर अपने लिए मसाइब व आलाम पैदा करती। ये दो मिजाज हैं, इनको सामने रखकर अब ये बात जहन नशीन कीजिए कि जिस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, तमाम नबुवतें अपने कमाल तरक्की और इर्तिका के सारे मरहले तय करते हैं, जिस नुक्ते पर जाकर नबुवत रुक जाती और उससे आगे बढ़ नहीं सकती अपने कमालात में, उस नुक्ते कमाल का नाम ज़ात मुहम्मदी है। तो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत में इमामुल अंबिया हैं, इस तरह मुबालगे की वजह से नहीं, अला वजहिल बसीरत और अला वजह तहकीक ईमानी बात है कि इमाम हुसैन इमामुल अंबिया है, इमामुल औलिया है, हुजूर इमामुल अंबिया है, सैयदना इमाम हुसैन इमामुल औलिया है। वो विलायत के उस मुकाम पर हैं जहाँ विलायत भी तरक्की इर्तिका और उरूज के सारे मरहले तय करके नुक्ते आखिरी पे जाके रुक जाती। नबुव्वत में हुजूर अलैहिस्सलाम का मसील कोई नहीं, विलायत में इमाम हुसैन का मसील कोई नहीं। अब मैं दो मिजाज बयान कर चुका हूं, नबुव्वत बारगह उलूहियत से पाकर मखलूक की तरफ आना चाहती है कि उसका मिजाज यह है कि मखलूक को भी बाकमाल करे, और विलायत मखलूक के पस्त अहवाल से निकल कर आलम नासूत से गुजर कर आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहूत में खो जाना चाहती। ये बुनियादी मिजाज हैं जिन पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल औलिया होने के नाते विलायत के उस बुलंद मकाम पर फायज थे कि जहां विलायत का मिजाज भी सबसे ऊंचे मुकाम पर निखरा हुआ था। तो यहां भी दो तकाजे थे, एक तकाजा विलायत था, उधर एक तकाजा नबुव्वत था। और यह बात मैं अर्ज कर दूं कि वो राहत व आराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम काबा कौसैन में पाते थे कुर्बत इलाहिया में, इमाम हुसैन का काबा कौसैन कुर्बत बारगह रिसालत और गुंबद खजरा था। जो कैफ व सुरूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौक अल अर्श मिल रहा था, ये उस तरह का कैफ व सुरूर और उसका हिस्सा अपने अपने ज़र्फ़ और इस्तेदाद के मुताबिक तहत अल अर्श सरजमीन मदीना पे पा रहे थे। और वो तस्कीन जो हुजूर अलैहिस्सलाम को काबा कौसैन पे मिल रही थी, इमाम हुसैन को उस तरह की तस्कीन गुंबद खजरा और बारगह रिसालत में मुयस्सर आ रही थी। सो विलायत ये चाहती थी कि उसी तस्कीन की दुनिया में मगन रहा जाए। विलायत का तकाजा ये था कि मदीना छोड़ा न जाए, गुंबद खजरा से दूरी इख्तियार न की जाए और जिंदगी के सारे लम्हे इसी कुर्बत बारगह रिसालत में गुजार दिए जाएं। विलायत का मुंतहा तलब ये था। मगर याद रखें, ये फकत पैकर विलायत न था बल्कि एक ऐसा पैकर विलायत था जिसका खमीर नबुव्वत से उठा था, फैजान नबुव्वत से मामूर पैकर विलायत था। इमाम हुसैन का वजूद एक ऐसा पैकर विलायत था जो फैजान नबुव्वत से, नूर नबुव्वत से और तासीर नबुव्वत से मामूर था। विलायत ये चाहती थी कि मदीना को छोड़ा ना जाए, आफियत की जिंदगी गुजारी जाए, त
ताकि दुनिया के गोरख धंधों से निजात पाकर खालिक की इबादत में, रियाजत में, मुजाहदों में, उसकी मारिफत में, तकवा में, उसी में जिंदगी गुजार दी जाए। और वो तासीर नबुवत जो वजूद में थी, तासीर नबुवत ये चाहती थी कि नहीं सिर्फ अपने कमाल में मगन न रहा जाए, जहां जुल्म हो रहा है वहां जाया जाए, जहां खराबी है वहां पहुंचा जाए, जहां बिगाड़ है वहां पहुंचा जाए। विलायत चाहती थी कि अपनी तकमील हो, तासीर नबुवत चाहती थी कि इंसानियत की तकमील हो, विलायत चाहती थी कि खुद अपना वजूद सब बोझों से मावरा कुर्बत इलाहिया की अजमत में जा पहुंचे, तासीर नबुवत चाहती थी कि इंसानियत पर जुल्म के जो बोझ पड़ रहे हैं, इंसानियत के कंधों को उन बोझों से निजात दिलाई जाए। तो विलायत वहां रहना चाहती थी और तासीर नबुवत मदीना छोड़कर करबला जाना चाहती थी। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती तकमील की हिस चाहती होगी और चाहती थी कि काबा कौसैन के मकाम को छोड़ा ना जाए, मगर नबुवत और रिसालत का मुकाम काबा कौसैन को छोड़कर, वहां की राहतों को छोड़कर मक्का के शेब अबी तालिब में ला पहुंचाया, जहां 3 साल की कैदें हो रही हैं, वो माजागल बसर व मातगा की लज्जतें छोड़कर नबुवत ने आपको ताइफ के बाजारों में ला खड़ा किया, जहां पत्थरों से जसद अकदस लहू लुहान हो रहा है। फाउहा इला अब्दी मा औहा की कुर्बतों और लज्जत भरी आवाजों को छोड़कर नबुवत ने आपको बद्र, हुनैन और उहद के मार्कों में ला खड़ा किया, जहां नेजे के फल लग रहे हैं और पत्थरों से दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं। यानी उस राहत व आराम की जगह को छोड़कर सौबतों भरे मुकामात पे नबुवत ले आई। वो फैजान नबुवत जो सैयदना इमाम हुसैन ने बचपन से जुबान रिसालत चूस चूस कर पाया था, वो फैजान नबुवत जो इमाम हुसैन की रगो रेशे में खून बन के गर्दिश कर रहा था, वो फैजान नबुवत जो बराह रास्त तवज्जो और शफकत रसूल के बायस परवान चढ़ रहा था, वो फैजान नबुवत जिसने हुसैन के बारे में ये ऐलान कर दिया था कि अली ये तुम्हारे बेटे नहीं, ये मेरे बेटे हैं। इसलिए सैयदना अली ने तो उनका नाम हर्ब रखा था, उनका नाम हर्ब रखा था। हुजूर सलाम ने आके फरमाया, अली नाम मैं रखूंगा, इसका नाम हसन है, इसका हुसैन है, इसका मोहसिन। और ये फरमाया था कि अल हसन अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। ये जो वहदत हुक्मी के एक ताल्लुक को बयान किया था, ये फैजान रिसालत और फैजान नबुव्वत चाहता था कि राहत व आराम की जगह छोड़कर वो करबला का सफर करें और जहां जुल्म है वहां पहुंचें, जहां इंसानियत दुखी है वहां पहुंचें, जहां बिगाड़ और खराबी है वहां पहुंचें। चुनाचे इमामुल औलिया सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वली होकर राह नबुवत इख्तियार की। वली होकर, उनकी इमामत विलायत में है, वली होकर राह नबुवत इख्तियार की और उस मुकाम पर आप पहुंचे कि जिस मुकाम पर पहुंचकर इस्लाम को अबदी तौर पे जिंदगी देने का सलीका उम्मत को सिखा दिया। यहां यह बात बगैर किसी शक व शुभों के जहन में रहनी चाहिए कि इमाम अली मुकाम अगर चाहते अपनी इबादात में, रियाजात में और गोशे आफियत में जिंदगी गुजार के अल्लाह अल्लाह करते रहना और रूहानी कमाल से बहरावर होना, फकत उसी में मगन रहना चाहते, यजीद को फकत एक पैगाम देते, उस लईन को और क्या गरज थी, वो सिर्फ ये चाहता था कि मेरी सल्तनत को खतरा ना हो, मेरी हुकूमत के खिलाफ बगावत ना हो, मेरी बैत ना टूटे। उस बदबख्त का एक ही मुतालबा था, उसे पैगाम भेजते और ये फरमाते कि यजीद मैं तेरी सल्तनत से तारुज नहीं करता, तू मेरी आफियत से तारुज ना कर, मुझे तेरे कारोबार, तेरे धंधे, तेरे निज़ाम, तेरी हुकूमत और सियासत और तेरे मामलात से कोई गरज नहीं, तू मेरे साथ छेड़छाड़ न कर। अगर ये पैगाम भेजते तो यजीद इसे बसरो चश्म कबूल करता और न कभी सफ़र करबला होता, न कभी करबला का मारका बपा होता। मगर इमाम अली मुकाम ने मदीना छोड़ना गवारा किया, मक्का छोड़ना गवारा किया,
गोशे आफियत को छोड़ा, खलवतों को छोड़ा, और फिर हरम काबा की जलवतों को छोड़ा, फिर आपने सफर करबला किया। और इस अंदाज से कि जो न गए, उस वक्त भी दोनों रास्ते थे, रुखसत का रास्ता भी था, खामोशी इख्तियार कर लेने का रास्ता भी था। सहाबा कराम और ताबीन और तबा ताबीन की अक्सरियत ने रुखसत का रास्ता अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि हालात हमारे काबू में नहीं, हमारे पास इस्तेताअत नहीं, ताकत नहीं, वसायल नहीं कि हम हुकूमत बदल सकें। सो शरीयत ने रुखसत दी है कि हम आफियत के गोशे में खामोश से बैठें, खामोश रहें। हालात इमाम आली मुकाम भी देख रहे हैं कि हालात काबू में नहीं, मगर रुखसत की राह पर नहीं, वो अजीमत की राह पर चले। और आपने जाकर जुल्म को ललकारा, बातिल और तागूती निज़ाम को ललकारा, जबर बरबरीत को ललकारा, निज़ाम कुफर को ललकारा, और टकरा कर शहीद हो गए। ये बात भी आपके जहन नशीन देनी चाहिए कि यजीद अकीदा इस्लाम का मुनकर नहीं था, नमाज रोजा हज ज़कात का भी मुनकर नहीं था, इन चीजों का इनकार उसने नहीं किया था। सिर्फ बात इतनी थी, वो इस्लामी अकायद को भी जाती तौर पे मानता था, इस्लामी अमाल को भी जाती तौर पर मानता था, ईमान और इस्लाम के उसूल और फुरू पर भी ईमान का मानने का दावा करता था। मगर इन सब चीजों के बावजूद बात यह थी कि उसका निजाम इनको नहीं मानता था, उसका निजाम इस्लाम पर नहीं उसकी शख्सियत पर कायम था, उसका निजाम कुरान पर नहीं उसकी आमरियत पर कायम था, उसका निजाम अदल पर नहीं जुल्म पर कायम था, उसका निजाम अमानत पर नहीं खयानत पर कायम था, उसका निजाम तकवा पर नहीं फिस्क पर कायम था, उसका निजाम ईमान पर नहीं कुफर पर कायम था। जंग सिर्फ उस निजाम के खिलाफ थी, इंसानियत सिसक रही थी, खिलाफत एक बदतरीन मुलूकियत में बदल रही थी, इख्तियारात जाती हाथ में मुर्तकिज हो रहे थे, इस्लाम के निजाम का चेहरा मस्ख हो रहा था। और वो सारा इनकलाब जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने वतन छोड़ा था, मक्का से मदीना हिजरत की थी, बद्र हुनैन के मार्के में गए थे, बदन अकदस लहू लुहान किया था, रातों के आराम तबाह किए थे, ताइफ के बाजारों में पत्थर खाए थे, शेब अबी तालिब की कैदें बर्दाश्त की थी, गारों में रहे थे, अपने जसद पाक लहू लुहान किए थे, ये सब कुछ सऊबतें जिस निजाम की खातिर बर्दाश्त की थी। यजीद वो शख्स था जो दफातन उस पूरे निजाम को निजाम कुफर के सपुर्द कर देना चाहता था। इमाम हुसैन के सामने अब फकत दो आफियतें थी, खामोश रहते हैं तो उनकी जात की आफियत है, मैदान में निकलते हैं तो उनके आका और रसूल पाक के निजाम और दीन की आफियत है। उन्होंने खामोशी और अपनी आफियत के रास्ते को छोड़ दिया और दीन इस्लाम की आफियत के रास्ते को अपना लिया, और दीन इस्लाम की आफियत में अपने लिए शहादत थी। अजीमत इस अजम के साथ थी कि जो साथ न चले उनसे भी शिकवा न किया, बड़े हौसले की बात है, जो साथ न चले उनसे भी शिकवा नहीं किया, और जो चल पड़े थे और अंजाम से बेखबर थे उन्हें भी आगे चल के इजाजत दे दी कि छोड़ के जाना चाहो तो इजाजत है, ना आने वालों पर शिकवा है, और अगर तुम चले गए तो चले जाने वालों पर भी शिकवा नहीं होगा। मैं मुकल्लफ हूं, तुम्हें मुकल्लफ नहीं ठहराता। अजीमत इस बुलंद अज़्म के साथ, तारीख ऐसी हस्ती को दोबारा देखने में तरसती रहेगी और तरसती रही, न कभी पहले ऐसी तारीख मिली न कभी बाद में मिलेगी। इमाम हुसैन ने टकराकर इस्लाम को जिंदा करने का एक रास्ता मुतय्यन फरमा दिया, और उस रास्ते के जरिए जो बुनियादी चीज दी वो ये कि इस्लाम सिर्फ चंद अकायद आमाल और रसूम का नाम नहीं है, इस्लाम एक पूरा तर्ज अमल और निज़ाम ज़िंदगी है। पैगाम शहादत हुसैन ये था, और पैगाम शख्सियत हुसैन, आपकी शख्सियत ने भी एक पैगाम दिया, आपकी ज़िंदगी ने भी एक पैगाम दिया,
और आपकी शहादत ने भी एक पैगाम दिया। जिंदगी का पैगाम यह था कि जाती मफाद इज्तिमाई मफाद पे कुर्बान कर देना, यही अजमत है, और जाती आफियत कौमी मिल्ली और इज्तिमाई आफियत पे कुर्बान कर देना, यही कमाल है। इस सबक का ताल्लुक आपसे है। आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपका पेशा आपकी जिंदगी में इस हुसैनी सबक को जिंदा करने का एक बेहतरीन मौका है। आपको अपनी जात के मफाद से के दायरे से निकलकर, तंग दायरे से निकलकर इज्तिमाई कौमी इंसानी मफाद के वसी दायरे में दाखिल होने का मौका अपना पेशा खुद मुहैया कर रहा है। आपका पेशा ही खिदमत इंसानियत से मुतालिक और इबारत है। तकाजा पेशे का यह है कि आप लोगों की खिदमत करिए। अगर यह हुसैनी शऊर और हुसैनी दर्द सीनों में बेदार हो जाए तो आपका इस दर्द के साथ रात को जागना, मरीज को देखना भी उम्र भर के लिए इबादत है, और अगर इस दर्द के बगैर जागे देखें तो कारोबार है। इस दर्द के बगैर जागे देखें तो पेशा है, कारोबार है, तिजारत है। अगर ये शऊर और ये दर्द बेदार हो जाए और ये दर्द जिंदगी बन जाए, ये जिंदगी का मुहर्रिक बन जाए, तो फिर ये पेशा नहीं, ये इबादत है। सैयदना अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने एक रोज दुआ कर रहे थे और दुआ में अर्ज कर रहे थे, अल्लाहुमरहमनी, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर रहम फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, आपने कलिमात दुआ सुने और थपकी दी, और थपकी देकर फरमाया, अली यूं न कहा कर, मुझ पर रहम फरमा, जिससे मांग रहा है वो बड़ा वसी रहमत वाला है। कहाँ कर, अल्लाहुमरहमना, ए अल्लाह हम पर रहम कर। तो एक जात के लिए रहम मांगने की बजाय सब के लिए रहम मांगो। यानी वो सबक एक है, वाकया करबला इमाम हुसैन की ज़िंदगी दरअसल इस सबक की अमली तस्वीर है, और शहादत सबक ये देती है कि इस्लाम सिर्फ अकायद अमाल और रसूम का नाम नहीं, एक निज़ाम ज़िंदगी है, और इस निज़ाम ज़िंदगी को मुस्तरद कर देना यजीदियत है, और इस निज़ाम ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद कुर्बान हो जाना हुसैनियत है। यजीद तारीख में दुरुस्त है एक फर्द का नाम था, वो अपनी बदबख्ती से खत्म हो चुका, खत्म हो चुका अपनी बदबख्ती से, मगर अब वो फर्द तो रहा ही नहीं, अब यजीदियत एक फिक्र बन गया। यजीद तीन अशखास का मुरक्का था, नमरूदियत का नमरूद और उसकी नमरूदियत का, फिरौन और उसकी फिरौनियत का, कारून और उसकी कारूनियत का। इसमें तकब्बुर, इसमें फिस्क व फुजूर, जुल्म व फिस्क व फुजूर, और इसमें सरमाया परस्ती और इस्तेहसाल, तीन अनासिर हैं। नमरूद में खुद को खुदा समझना, किबरियाई का दावा करना, तकब्बुर करना, लोगों को कमतर और जलील समझना, ये नमरूदियत की फिक्र थी। फिरौनियत में इक्तदार का मालिक समझना, फिस्क व फुजूर, अय्याशी, उरियानी, बेरहरवी और जुल्म। कारून में सरमाया परस्ती और गरीब का इस्तेहसाल और दौलत का इर्तिकाज। इन तीन चीज़ों का मुरक्का यजीद और उसकी यजीदियत। आज यजीद नहीं है मगर यजीदियत मौजूद है, और इधर हुसैन भी है और हुसैनियत भी है। यजीद तो नहीं मगर हुसैन है, क्योंकि यजीद मुर्दा हो गया, वो करबला की जंग हथियारों की जंग जीत कर भी मुर्दा हो गया, और हुसैन का लश्कर हथियारों की जंग हार कर भी जीत गया, और वो जिंदा हो गया। तो इमाम हुसैन तो आज तक जिंदा है, और जिंदगी की बड़ी अलामतें और बड़ी पहचानें ये हैं, जिंदगी की बड़ी अलामतें हैं। मगर हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के एक मिसरे में एक अलामत है जिंदा होने की, वो कहते हैं, नाम फकीर तिनादा बाहू, कब्र जिनांदी जीवे हो।
यजीद की कब्र दुनिया में कोई शख्स जानता भी नहीं है कि कहाँ है, और कोई कूड़ा भी नहीं फेंकता, उसका नामो निशान भी नहीं है। हुसैन की कब्र सुबह शाम करोड़ों दरूद और सलावात का मुरक्का है और क़यामत तक रहेगी। एक लम्हा ऐसा नहीं जिस वक्त उन पर सलावात नहीं पढ़े जाते, उन पर फातिहा नहीं पढ़ा जाता, उनकी अजमतें बयान नहीं होती। तो बहुत सी जिहतें हैं, मगर हुसैन भी ज़िंदा है। हुसैन तो ज़िंदा है, मगर अब हमारी ज़िम्मेदारी, हमने हुसैन को ज़िंदा नहीं करना, उसको ज़िंदा करने वाला तो उसका रब है। अल्लाह ने हुसैन को ज़िंदा कर दिया, हमारी ज़िम्मेदारी हुसैनियत को ज़िंदा करना है, हमारी ज़िम्मेदारी हुसैनियत को ज़िंदा करना है। आज आलमी सतह पर हुसैनियत के ख़िलाफ़ यजीदी क़ुव्वतें और यजीदियत एक आलमगीर सतह पर हमला आवर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आलमी यजीदियत का एक नमूना है। आज हुसैनियत को ज़िंदा करने के लिए ज़रूरत है। मेरा आखिरी पैगाम यह है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, इमाम हुसैन की अकीदत के तराने गाने वालों, हुसैन की रूह आज भी करबला में उस फुरात के किनारे खड़ी इंतज़ार कर रही है और तक कर अपने मोहब्बत करने वालों और चाहने वालों की तरफ देख रही है कि मेरी अकीदत और मोहब्बत का नारा बुलंद करने वालों, तुम में से कोई है जो फिर हुसैन बनकर ताज़ा करबला बपा करे। फुरात का दरिया फिर रंगीन होने को तरस रहा है और करबला के ज़र्रात फिर सुर्ख होने को तरस रहे हैं, और आवाज़ें आ रही हैं कि कोई है जो फिर अपने अली असगर को पेश करे, कोई है जो फिर अपने अली अकबर को पेश करे, कोई है जो फिर वो कुर्बानी की दास्तान दोबारा रकम करे ताकि क़यामत तक हुसैनियत को जिला मिलती रहे। ये ज़िम्मेदारी उम्मत की है। सीदना इमाम हुसैन ने हमें एक राह दिखाई है, एक किरदार दिया है, एक सीरत दी है, एक ज़िंदगी दी है। अब उस ज़िंदगी पे चलना, उस राह का शऊर अपने अंदर बेदार करना और उस किरदार को एक ज़िंदा क़ुव्वत बनाकर अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगियों को मुतहर्रिक करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी। अगर हम मुतहर्रिक हो गए और अपना हक पहचान कर उसके अदा करने वाले बन गए तो हमने हुसैनियत से ताल्लुक़ का हक अदा किया। अगर हम ऐसा न कर सके तो हुसैनियत से हमारे ताल्लुक़ का दावा मुर्दा दावा रहा, और शायद हम मुर्दा दावा करने वाले क़यामत के दिन इमाम हुसैन के सामने अपने चेहरे भी पेश करने के काबिल न रहें। मैं आपको इस तकरीब के निकात पर दोबारा बार दिगर पैगाम मुबारकबाद देता हूँ कि ये तकरीब इस पैगाम के आप तक पहुँचाने का सबब बनी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इल्म नाफ़े अमल सहले दे, यजीदियत और हुसैनियत के बुनियादी फ़र्क को समझने की हम सबको तौफीक मरम्मत फरमाए, और इस शऊर हुसैनियत के साथ जीने और मरने की अल्लाह पाक तौफीक दे। शुक्रिया व मा अलैना इल्ला बना।